सीताराम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अर्श कुठार रस के ही बारे में बताएंगे। हालांकि पिछले वीडियो में भी बताया था, गुण धर्म काफ़ी चीज़ें बतलाया था। आज हम कुछ विशेष अर्श कुठार रस में बताने वाले हैं। दोस्तों, आज लोगों की आम समस्या हो गई है गैस बनना और बदहजमी होना, पेट साफ ना होना और मल का टाइट होना, रुक्षता ज़्यादा बढ़ जाना और कफ की उत्पत्ति होना, ये आम सी बातें हो गई हैं। आज हमारे वातावरण में विशुद्धि ज़्यादा उत्पन्न हो गई है, इस कारण से हम अर्श कुठार रस का बहुत अच्छा प्रयोग बताने जा रहे हैं। वैसे मार्केट में दोस्तों अर्श कुठार रस डाबर का या बैद्यनाथ का 100-125 रुपये का आसानी से मिल जाएगा। बाबा रामदेव का भी मिलता है। कई कंपनियां अर्श कुठार रस को बनाती हैं और सब अपना अपना दाम निर्धारित की हुई हैं। कुछ महंगी हैं, कुछ सस्ती हैं। तो डाबर बैद्यनाथ अच्छी भी हैं और सस्ती भी हैं। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं। आप कोई भी कंपनी ले लेंगे, अर्श कुठार रस उसी तरह काम करेगा। सस्ता हो महंगा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सस्ता महंगा जब उसमें कुछ कंटेस्टेंट्स बढ़ाएंगे और अपने से निर्माण करेंगे, उसका रेट रहता है। दोस्तों, अब हम गुण इसके बारे में जानने के लिए कि ये कैसे काम करता है, तो स्टार्ट करते हैं कि अर्श कुठार रस में जो पड़ा है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या क्या पड़ा है। आज बात करेंगे ये किस प्रकार से आपके शरीर में काम करता है। तो दोस्तों, अर्श कुठार रस जो है, तो जिसे पेट संबंधी कोई भी बीमारी होगी उसको एकदम से ठीक करने की ताकत रखता है। और इसमें जो है, तो जिसे वंश लोचन पड़ा है और शुद्ध टंकण पड़ा है और यवक क्षार पड़ा है और सेंधा नमक पड़ा है, ये तीन चार चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों कि ये एक आम आदमी भी अगर सामान्य रूप से उपयोग करेगा तो उसके पेट की समस्या क्लीन रहेगी। पर आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से हमको हानि हो सकती है, इसलिए किसी का सलाह ज़रूर ले लें। अच्छा, अर्श कुठार रस अगर आप दो दो गोली सुबह शाम गर्म पानी से खाना के बाद खाते हैं, तो दोस्तों आप का जो है शौच क्रिया एकदम नीट एंड क्लीन होती चली जाएगी और आपका पेट एकदम दुरुस्त हो जाएगा। आपकी लेटरिन की रास्ता और बाथरूम की रास्ता की दोनों की लगभग लगभग सफाई हो जाएगी और आप एकदम स्वस्थ होने लगोगे और सप्त धातुएं मजबूत होने लगेंगी। अर्श कुठार रस, अब जैसे मान लीजिए किसी को सूजन आ गई या खुजली हो रही है मल द्वार में, खुजली पहले बवासीर के स्टार्टिंग में खुजली होती है, रुक्षता हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसी अर्श कुठार रस को हम दो दो गोली या तीन तीन गोली सुबह शाम खाने के लिए कहते हैं। और इसी में अभयारिष्ट का हम ज़रूर प्रयोग कर देते हैं। अभयारिष्ट आवश्यकता अनुसार, अगर हमारा बड़ा एज है तो इसका 40-45 ml तक बराबर पानी से दे सकते हैं। अगर यही आप हम युवावस्था में देखते हैं तो 45 ml उपयुक्त तो रहता है उसके लिए। और कम जैसे 14-15 साल के लड़के हो गए, इनको 10 ml, 12 ml, 15 ml तक हम दे सकते हैं। और छोटे हैं तो अभयारिष्ट का प्रयोग, अभयारिष्ट के बारे में अभी मैं वीडियो बनाऊंगा और उसका पूरा कंटेंट भी समझाऊंगा। तो दोस्तों, अभी जैसे हमारे पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी बन रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है और गैस बन रही है, अफारा हो रहा है, इसमें अर्श कुठार रस को दो दो गोली, तीन तीन गोली आवश्यकता अनुसार, एज अनुसार आप दे सकते हैं। और गर्म पानी अनुपान रख सकते हैं, मट्ठा भी अनुपान रख सकते हैं। मट्ठा में जीरा वगैरह डाल के खाना है और हो सके तो हल्का सा बघार लेना है हींग वगैरह से, और जीरे की मात्रा थोड़ी मट्ठे में ज़्यादा रहेगी, भुना जीरा की। जीरा भी हमारा अच्छा काम करता है पेट के लिए। और इसी में जैसे अर्श कुठार रस को हमने दिया और गुलकंद के साथ, जैसे इनको किसी को एसिडिटी बन रही है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है,
और जलन हो रही है, छाती में पूरा जलन दे रही है, जैसी डकार आती है तो यहाँ से यहाँ तक लगता है कि छिल गया, मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं रहता है, और पित्त संबंधी व्याधियाँ ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, तो उसमें हम गुलकंद के ही साथ दे देते हैं, गुलकंद के साथ जो है अर्शकुठार रस को दे देते हैं, और ऊपर से दूध वगैरह पिला देते हैं या फिर पानी ही पिला देते हैं, पी लेते हैं, तो काफ़ी आराम लग जाता है, एसिडिटी बंद हो जाती है, पेट भी साफ़ हो जाता है, गुलकंद से एसिडिटी भी बंद हो जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार एसिडिटी में भी अर्शकुठार रस का हम उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों जब कभी देखे होंगे कि पेट साफ ना होने के वजह से हमारे हाथ पैर रात में नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा अकड़ते हैं, मतलब दर्द देते हैं, मांसपेशियां उनकी काफ़ी अकड़ने लगती हैं, बरर टाइप में जाता है, फाटन आ जाती है, इस प्रकार की समस्याएं हमारे जैसे पैरों में होने लगती है, इसी प्रकार हाथ में भी ऐठन होने लगती है, पूरा शरीर मर्दन करने लगता है, तब हम अर्शकुठार रस को अगर गर्म पानी से या बात संबंधी कुछ दवाइयों के साथ ऐड कर दें, जैसे त्रिफला गुग्गुल हो गया, और त्रिफला गुग्गुल के साथ साथ अश्वगंधा रिष्ट हो गया, और बात व्याधि को जो ख़त्म करता है, तो इसी प्रकार जैसे अब ऐठन हो गया है तो इसमें अश्वगंधा रिष्ट ले सकते हैं या अर्जुना रिष्ट भी ले सकते हैं, तो किसी के कफ संबंधी ज़्यादा हो रहा है तो अर्जुना रिष्ट ले लें, और किसी को पेट साफ अच्छा नहीं हो रहा, हाथ पैर में दर्द बस है और कफ नहीं बन रहा है, तो उसको अश्वगंधा रिष्ट कर दें। तो इनकी मात्रा जो है, तो अगर युवा अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, तो इनमें अलग अलग निर्धारण की गई है, जैसे छोटे बच्चे को देते हैं तो अश्वगंधा हम 5 ml देते हैं करीब, ये 7-8 साल के युवा अवस्था, फिर यही 12-15 साल में हो गया तो 15 ml बढ़ा देते हैं, फिर 20-25 का हो गया तो 25 ml कर देते हैं, और बड़ा हो गया तो 40-45 ml तक हम देने का प्रावधान बनाते हैं। अब दोस्तों इसको हम क्या करते हैं कि त्रिफला गुग्गुल 2-2 गोली खाने के पहले ले लेते हैं, और अर्शकुठार रस को खाने से पहले ले लेते हैं, और आपका अगर मतलब कहा जाए तो पेट बस नहीं साफ़ हो रहा है तो अभयारिष्ट ले लीजिए, तो अभयारिष्ट आप लेंगे तो ये आप अनुमान से मैं बता ही चुका हूँ कि कितना कितना में लेना है, तो ये खाने के बाद लेना है, और अश्वगंधा भी इसी प्रकार से, और अर्जुना रिष्ट भी इसी प्रकार से, जिसके कफ संबंधी विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो अर्जुना रिष्ट के साथ, और जिसके हाथ पैर में मर्दन हो रहा है वो अश्वगंधा रिष्ट के साथ, और जिसका कोठा बस नहीं साफ हो रहा है तो वो अभयारिष्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, और नई जानकारी, नई रोचक जानकारी आपके सेहत के अनुसार हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, इसमें हमारा प्रोत्साहन कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर करें, और नए लोग जो देख रहे हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यही जानकारी अन्य लोगों तक शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों, सीताराम।